मंगल सावधान। यार दिलीप, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। बोल बोल बोल। यार वो औरत मुझसे आज फिर रूठ गई यार। अरे कौन सी औरत यार? तू जानता है उसे? अरे कौन है बता ना, कौन कौन? अरे मेरी बीवी पारो। ओह पारो भाभी। हाँ। क्यों क्या हुआ आज फिर? अरे यार वो चाहती है मैं उसे पूरी दुनिया दिखाऊं। अरे वाह वाह वाह, तो दिखा दे दुनिया। क्या बात करें यार दिलीप, ये खूबसूरत कॉस्मेटिक की सैलरी में मैं उसे आज तक पूरी बंबई नहीं दिखा सका, ये दुनिया कहाँ से दिखाऊंगा यार। तो बोल देना उसे कि मैं तुझे दुनिया नहीं दिखा सकता। अरे ऐसे नहीं बोल सकता यार, वो मेरी बीबी, ऐसे नहीं बोल सकता मैं। अरे तू हमेशा जेके जी रहेगा। जेके जी मतलब? जोरू का गुलाम। हाँ ठीक है, मैं जोरू का गुलाम हूँ यार। एक छोटी सी ख्वाहिश है उसकी कि मैं उसे दुनिया दिखाऊं, अगर वो भी मैं पूरी नहीं कर सका तो यार लानत है मुझ पे। अरे सुधे तू डिसाइड करना, तुझे उसे दुनिया दिखानी है या नहीं? दिखानी है, दिखानी है ना? तो एक काम कर, अरे मेरे भाई क्या चल रहा है तेरा, कब से उधर रख ना, उधर है कि उधर की कुर्सी है वो, चल रहा है उधर। हाँ तभी मैं सोचूं ये क्या। ये देख एक काम कर तू, है ना पारो भाभी के लिए ना एक ग्लोब खरीद, ग्लोब जिसके ऊपर ऐसा होता है ना वो वर्ल्ड मैप होता है उसके ऊपर। एक लंबी लकड़ी ले पारो भाभी के ऐसे गले में हाथ डाल, पारो अमेरिका, पारो फ्रांस, इतनी ठंडी है ना फ्रांस में। आया था तुम्हारे घर में मांगने सलाह और उड़ाया जा रहा है मेरा मजाक, लेकिन देखो दोस्तों मैं पारो को दुनिया दिखा के रहूंगा, कह रहा है ये रजाक। रजाक रजाक कौन है ये? अरे रजाक मैं, आया छोड़े यार वो, छोड़े यार। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से जाऊंगा। okay. और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओके जाओ बाय। अरे कम से कम ये तो पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ यार। अच्छा 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 बता बता कहाँ जा रहा है भाई तू? मैं अभी लॉटरी के टिकट खरीदने जा रहा हूँ, जैसे ही लॉटरी निकलेगी मैं पारूंगा ले जाऊंगा दुनिया दिखाने। समझ मैं तो कब से जा रहा हूँ। सुधीर का सोच सोच के हंस रहा हूँ कि उसका क्या है? अरे वो सुधीर अपनी बीवी तक को उल्लू नहीं बना सकता। हाँ। और यहाँ पे हम तीनों कदम कदम पर लोगों को उल्लू बनाते आज बॉस को मैंने उल्लू बनाया। 5:30 बजे बॉस मुझे उनके केबिन में बुलाते, बोलते कि विनय ये 10,000 एनवेलप से इनके ऊपर 10,000 स्टैंप चिपकाओ। मैं बोला मैं तो मर जाऊंगा। मैंने क्या आइडिया लड़ाया, मैंने बॉस को बोला बॉस क्या है कि मुझे ना 6 बजे हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लेना है। ओ, तो बॉस बोले अच्छा तो जाओ जल्दी जाओ, हेपेटाइटिस का नाम सुनते मुझे बोल दिया जा। वेरी स्मार्ट 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 बट नॉट स्मार्टर देन मी एंडी। 5:30 बजे तू गया कैबिन में, उसके पहले 5:25 को बॉस ने मुझे बुलाया था कैबिन में उसी काम के लिए, उसी काम के लिए। अभी बॉस को मैंने कैसे उल्लू बनाया जानते हो? कैसे मैंने बॉस से कहा कि बॉस क्या है कि मुझे तो गोंद की एलर्जी है, अगर मैंने स्टैंप चाटा तो जिंदगी मुझे देगी एक चाटा। बॉस ने कहा ओके बाय बाय टाटा। यार कब से मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ, कितने स्मार्ट यार तुम दोनों। लेकिन सॉरी टू से आई एम स्मार्टर देन यू बोथ। अरे वो ऐसे 5:30 बजे तुम अंकल की कैबिन से निकले और 5:40 को मैं पहुंचा, तो क्या देखता हूँ कि अंकल बेचारे अकेले स्टैंप लगा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा एंडी के होते हुए ये काम आप नहीं कर सकते। हाँ। एंडी एक रात में ये काम कर दिखाएगा, आप सिर्फ मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए। बॉस ने कहा ओके। एक रात में 10,000 स्टैंप? या भाई कैसे पॉसिबल है, बहुत मुश्किल ही है। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये काम तुम दोनों कैसे कर पाओगे। हाँ। ये भाई तुम्हारी ये स्टोरी में हम दोनों कहाँ से आ गए? वो ऐसे आए कि तुमने बॉस से कहा कि
तुम्हें हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लेने जाना है, करेक्ट? जो झूठ है। और तुमने कहा कि तुम्हें गोंद की एलर्जी है, वो भी झूठ है। झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। हाँ, तो ये जो बिल्कुल झूठ है, ये मैं बॉस के पास जाकर अगर कह दूं तो तुम दोनों तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे ना। इसीलिए वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी से काम पर लग जाइए। ये रहे आपके एनवेलप्स और स्टैम्प। ओके, 1, 2, 3। 9,998, 9,999, 9,900। क्या बात है एंडी जी, क्या बात है। पूरे के पूरे 10,000 एनवेलप। जिन एनवेलप को देखकर हम सारे प्यून ने छुट्टी ले ली थी, उन सारे के सारे एनवेलप पर आपने एक ही रथ में स्टैम्प चिपका दिए। क्या बात है। सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ लगन होनी चाहिए। और वो क्या कहते हैं, इच्छा इच्छा होनी चाहिए। वही तुम में नहीं है। एक बार ठान लो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। निकालो 1,000 रुपए। ये लो। एंडी जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपको बॉस को यानी आपके अंकल को कुछ कहना है? ऐसा कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकते हो कि इस बार 10,000 एनवेलोप थे, अगर अगली बार 1,00,000 एनवेलोप भी हो तो एंडी अपने सर पर कफन बांध कर तैयार है। गया वो, निकलो बाहर। दिलीप जी, कितने लिफाफे थे वैसे? 10,000। क्या 10,000? 7-7 बोल। 10,000। एक मिनट, आप लोग समझे नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि कितने लिफाफों पे स्टैम्प चिपकाए आपने? 10,000। 10,000 ये क्या होता है? 5। हाँ, 5 और 5, 5 और 5, 10। बस उसके लिए सारी रात आपको लग गई? 10,000। तू बैठ। 10। हाँ, 10 समझ गया। 10,000। ओ, यू मीन 10,000? ओ माय गॉड, 10,000 लिफाफे। एक काम कर मिली, इन दोनों को गर्म पानी पिला दे, कम से कम इनके जीभ से गोंद तो निकल आएगी। आई नो, अभी लाती हूँ। 10, 10, 10। यस, 1,000, 1,000, 1,000। अरे बस। इस एंटी को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे। पता है, 3 दिन पहले उसने मुझे 500 रुपए लिए थे, ये कहकर कि उसकी मौसी का कैंसर हुआ है। जूली, हो सकता है बेचारे की मौसी को सचमुच कैंसर हो गया होगा। कैसे हो सकता है मेरी? क्यों? क्योंकि 2 घंटे पहले उसने देसाई से भी 500 रुपए लिए, ये कहकर कि उसी मौसी का अंतिम संस्कार करना है। जस्ट अ मिनट, कहीं ये वही जूनागढ़ वाली मौसी तो नहीं है जिसकी शादी में जाने के लिए एंडी ने दिलीप से 1,000 रुपए लिए थे? अरे हाँ, देखा देख। माय गॉड, अरे 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 अरे, बेचारी मौसी, इधर शादी हुई उधर कैंसर, और इतने में अंतिम संस्कार भी हो गया। ओ भाई साहब, पहले अंतिम संस्कार हुआ, फिर कैंसर हुआ, तब जाके शादी। ओके, चलो जो भी है, अंतिम संस्कार तो हो ही गए ना आखिर में। अरे यार दिलीप, अब मेरी समझ में आई, एंडी हमेशा तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाता रहता है। माइंड यू, एंडी तुम्हें भी बेवकूफ बनाता है। हाँ हाँ, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी। एनीवेज, उसे सबक सिखाना है कि नहीं? सबक तो सिखाना है अब। अरे खड़े मत रहो यार, सोचो अब एंडी को कैसे लपेटा जाए। विनय जी, आप एंडी जी को किस में लपेटना पसंद करेंगे? कंबल है तुम्हारे पास? कंबल? कंबल तो नहीं होगा, रजाई है। रजाई है, वेरी गुड। नहीं नहीं, सुनो, रजाई में पहले अपने आप को लपेटो और कोने में जाके बैठ जाओ। ओके, लेकिन एंडी जी के लिए एक और। अरे यार मिली, तू चुप बैठना। विनय, तू बोल, तेरे दिमाग में क्या प्लान है? लॉटरी। लॉटरी? यस, उस लालची इंसान को लॉटरी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। कैसे? देखो वो, ओह,
मैं क्या बोल रहा हूँ कि सूझ नहीं रहा। शुभमंगल सावधान, शुभमंगल सावधान। जय एंडी दादा, जय जय एंडी दादा। दोस्तों के रखवाले, बड़े दिमाग वाले, जय एंडी दादा। बोलो जय एंडी दादा, दादा दादा दादा। Enough man, stop this nonsense यार। एंडी मेरे भाई, तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम कितने किस्मत वाले हो। किसने कहा तुमसे? ये हम सब कहते हैं। अरे तुम जिस चीज को हाथ लगाते हो वो चीज सोना बन जाती है, सोना। तुम्हारे हाथ से हर काम शुभ शुभ होता है, हर काम अच्छा ही होता है मेरे भाई। मेरे भाई, कहीं गोंद की एलर्जी ने तुम्हारा दिमाग भी खराब तो नहीं कर दिया? आपके दिमाग के सामने हम सबका दिमाग तो खोखला ही है एंडी भाई, खोखला ही है। हम तो सब ढोल के पोल है, पोलम पोल। हाँ दिखने में तो हो ही, लेकिन पॉइंट पर आओ। सॉरी गुरुदेव, मैं आपका कुछ ज्यादा ही वक्त ले रहा हूँ। या बात दरअसल ये है कि हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम सब मिलकर आपको ये लॉटरी का टिकट दें। अब पूछिए क्यों? क्यों? वही तो, आपका भाग्य, आपका लक, आपकी किस्मत। बस बस, आपकी किस्मत इतनी तेज है कि आपको लॉटरी का नंबर आना ही आना है। इसीलिए एंडी भाई, ये लीजिए लॉटरी का टिकट। लेकिन टिकट लेने से पहले आपको हमसे एक वादा करना होगा। इनाम लगने के बाद इसका 20% यानी कि 20% आपको हमारे साथ शेयर करना होगा एंडी भाई। अरे दिलीप, कमाल करते हो तुम। मैं जितना कमीना लगता हूँ उतना हूँ नहीं। वो तो भगवान ने शक्ल ही कुछ ऐसी बनाई है। अगर तुम मेरे भीतर झांक के देखोगे तो आनंद ही आनंद नजर आएगा। तुम मुझे लॉटरी का टिकट दो और मैं तुम्हें सिर्फ 20% दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तुम्हें बराबर का हिस्सा मिलेगा, पूरा का पूरा 50%। ओके, क्या तुम वाकई में हमें 50% दोगे मेरे भाई? अरे बिल्कुल दूंगा मेरे भाई, डोंट वरी। एनीवे, इसका रिजल्ट कब निकलता है? इसकी यही तो खासियत है। क्या? यहाँ ये टिकट मैंने आपके हाथ में रखा और वहाँ टीवी पर इसका रिकॉर्डिंग शुरू। रिजल्ट, टीवी पर रिजल्ट। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सियाचिन बम्पर लॉटरी में आप सभी का स्वागत है। और हमारा पहला नंबर है, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, है 35 है ना। तो अगला नंबर सुनिए, अगला नंबर है 32 भी है। Very good, lovely, thank you. Yes, yes, बारी हमारे तीसरे नंबर की, और हमारा तीसरा नंबर है 43. My God, क्यों नहीं लगा? 43 भी है। Oh, next, next, जल्दी बोलो। Don't get excited, Mr. Andy. अब बारी हमारे चौथे नंबर की, और हमारा चौथा नंबर है, चौथा नंबर 47 भी है। You are lovely. जल्दी जल्दी, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब बारी हमारे आखिरी नंबर की, और हमारा आखिरी नंबर है, बोलिए बोलिए बोलिए, वो है क्या? 21. लव यू स्वीट हार्ट, 21 नंबर भी है। Me too, बन गया मैं करोड़पति, बन गया।
ये सब जरा डोंट इरिटेट मी। ओके 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 एंटी, लेकिन एक बात ये तो बता कि इसमें से तू हमें कितने पैसे दे रहा है? कैसे पैसे? क्या पैसे पैसे करते रहते हो तुम लोग हमेशा? लॉटरी का टिकट हमने दिया था ना तुम्हें। कौन सा टिकट? क्या टिकट? क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा कोई बात नहीं आंटी जी, आप हम लोगों को सिर्फ 10% दे देंगे प्लीज। 10%? अगर 1000 पागल कुत्ते भी मुझे काट लेना तो भी मैं तुम लोगों को 10% नहीं दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, 5% तो दे दो। तुम लोगों की हैसियत ही नहीं है 5% लेने की। क्या मांग रही हो? ओके ओके 1%। सर 3 लाख रुपए। देखिए हम गरीबों के चेहरे को देखिए, हमारा उसी में गुजारा हो जाएगा। ठीक है हम इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, आप कुछ तो कोऑपरेट करो, इससे कम में नहीं परवड़ता भाई। अरे क्या कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग, देखो डोंट इरिटेट मी। अरे डोंट इरिटेट मी क्या? एक मिनट। अरे छोड़ो। शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। अरे बानो इसमें रोने की क्या बात है? अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मुझे भी रोना आएगा। रो मां, किसने रोका तुम्हें? मेरा, अरे एक लॉटरी का टिकट नहीं निकलता तो क्या होता है? कभी ना कभी तो लॉटरी का टिकट निकलेगा, फिर हम चलेंगे वर्ल्ड टूर पे। पहले जाएंगे अफगानिस्तान, वहाँ से सीधा इजराइल, वहाँ से मोरक्को जाके होनोलुलू जाके इजराइल करके वापस आएंगे। हमारी लॉटरी कभी नहीं निकलने वाली और हम वर्ल्ड टूर पे कभी नहीं जाने वाले। मेरी उम्र से मैं एटलीस्ट में ही वर्ल्ड देखना लिखा है। बचाओ। सुधीर भैया ये टिकट है ना आंटी जी के, इसको छुपा के रख दीजिए, बताना नहीं कि मैंने आपको दिया। मिली मेरी टिकट है मुझे। कौन सी टिकट? किसकी टिकट? कैसी टिकट? मिली। अरे क्या कर रही है? ट्रेन के टिकट के लिए इतना झगड़ा? अरे क्या करे यार, टिकट तो मेरे पास है, ये लो। अरे वो ट्रेन की टिकट नहीं है, 3 करोड़ की लॉटरी मुझे लगी है उसकी टिकट है। ये लॉटरी की टिकट है? यस। जानू टिकट मत देना। ये टिकट मैं नहीं दूंगा। टिकट मुझे दे दे। हम क्या पागल हैं? घर आई लक्ष्मी तुम्हें दे दे। टिकट मुझे दे दे सुधीर। अरे एंडी, एंडी क्या कर रहा है? अरे एक मिनट, अरे ये क्या? कितना चाहे मार ले, टिकट मेरे पास नहीं है। टिकट यहाँ मेरे पास है। ये तू क्या कर रहा है? जिस टिकट की वजह से, जिस टिकट की वजह से भाई भाई न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, उस टिकट का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसलिए मैंने इस टिकट को जला दिया। हे दिलीप, तूने मेरे आने वाले कल को जला दिया। अरे यार दिलीप, दो प्यार करने वालों को ये टिकट देता तो तुझे जिंदगी भर दुआ देते यार। अब तुम्हें हमारी हार लगेगी दिलीप जी, इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अरे वो क्या? अरे भाभी जी ऐसा भयानक भयानक श्राप मत दीजिए। भाभी जी दिया दिया दिया। अरे मेरी बात तो सुनिए एंडी मेरे भाई, अभी अभी जो टिकट मैंने जलाया है वो टिकट नकली था। तो फिर असली टिकट कहाँ है? अब वो क्या है ना, एक मिनट आंटी जी, जो आपने प्रोग्राम देखा था ना टीवी पर, वो लाइव नहीं था, वो रिकॉर्डेड था। हे भगवान, किस्मत ने फिर एक बार हमसे मजाक किया। पारो पारो ऐसे चुप। लो दिया। अरे वो रिकॉर्डिंग नहीं था, वो लाइव टेलीकास्ट था। अरे नहीं यार मेरे भाई, वो रिकॉर्डिंग ही था, अपने टीवी के बगल में जो हैंडीकैम है ना उसके द्वारा वो टेलीकास्ट हो रहा था। अरे कुछ टेलीकास्ट नहीं हो रहा था, हैंडीकैम में से मैंने कैसेट निकाली थी उसका हेड साफ करने के लिए। यार भाई साहब कह रहे हैं कि उसमें कैसेट नहीं था। हाँ। और हम कह रहे हैं कि उसमें कैसेट था। हाँ। तो चलो लोग यार देख लेते हैं उसमें कैसेट था या नहीं था। हाँ तो फिर चलो चलिए चलो। देखा, नो टेप। अब तो यकीन हो गया कि वो लाइव टेलीकास्ट ही था। इस दिन की हम जिंदा थे क्या? अरे भगवान को याद करने से कुछ नहीं होगा, हो गया 3 करोड़ का नुकसान, वो भी इस मनहूस की वजह से। रुक जा दिलीप, रुक जा। क्या जरूरत थी वो टिकट जलाने की? आप बताइए। नहीं देखिए वो क्या है कि
हम सबने तो डिसाइड किया था कि हम एक ड्रामा करेंगे, ड्रामा ड्रामा करेंगे, लेकिन मेलो ड्रामा नहीं। छोड़ना नहीं इसको, छोड़ना नहीं। चल इसकी सजा तुझे मिलेगी। क्या बराबर मिलेगी? नहीं क्या? धीरे धीरे धीरे। अरे तू हंस मत, चले पे नमक मत चला, तू क्यों खड़ा हो गया? अरे बस करो मत मारो इस अनुज को, वो एक्चुअली लाइव टेलीकास्ट नहीं था, वो तुम लोग का रिकॉर्डिंग वाला ही प्रोग्राम था। हा? वो मैंने हैंडीकैम से इस वीडियो टेप पे ट्रांसफर कर दिया था। लगाना 3 करोड़ का झटका। यहाँ तुझे देंगे हम फटका, हर हर महादेव। एंडी 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 एंडी। अरे एंडी 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 खेल रहे हो, मैं भी खेलता हूँ एंडी। लो तू, हमको नहीं खेलना है भाई, चलो इधर से चलो। दिलीप यू आर माय ओनली फ्रेंड। विनय इवन आई वांट टू टेल यू समथिंग, यू आर माय ओनली एंड माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। तुम दोनों भी मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हो यार, कम ऑन। किससे बात कर रहे हो भाई तुम? हमको नहीं बात करनी है किसी से। अरे देखो यार, चिल आउट यार। देखो तुम लोगों ने भी मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की कि नहीं, लेकिन सब में ये आर्ट नहीं होता, ये मान लो। Hi, my lovely family. The boss has arrived. सर अभी अभी तो ऑफिस से आए हैं हम लोग। I'm not coming to meet you. Andy, my boy, I'm really proud of you. लेकिन क्यों? कमाल है, करने के बाद पूछ रहा है क्यों? Really, I must say you're great, huh? 10,000 envelopes के ऊपर तुमने स्टैंप चिपकाया एक रात में, कमाल है, you've broken all the records. Thank you, uncle. कॉर्पोरेट सेक्टर में तुम्हारी चर्चा हो रही है कि क्या आदमी का लिकिंग पावर है। Thank you. सर अभी अभी पता चला है कि सारे के सारे एनवेलप पर एक एक रुपए के स्टैंप और चिपकाने हैं। Good news, for God's sake, come on, Andy. Yeah. This is the right time for you to break your own record, huh? Yeah. Ek baat batao. Ye last time kaam kiya tha, kitna time laga tha tumko? Just 6 ghante. Kaam kisne kiya tha? Naam batao, ungli mat karo, kaam kisne kiya tha? Andy. Andy nahi, respectable, respectable. एंडी जी। गुड एंडी जी, दिस टाइम तुम ये काम 3 घंटों में करोगे, ओके? नो प्रॉब्लम अंकल, लेकिन इस बार पैसे ज्यादा लगेंगे, 2,000 रुपए। नो प्रॉब्लम, मनी इज नो प्रॉब्लम, सैंक्शन, लेकिन ऑन वन कंडीशन, यू विल डू दिस वर्क। ये टाइम तुम काम करोगे मेरी आंखों के सामने करोगे, ओके? अंकल। नो अंकल, अंकल कम ऑन। Come on, Kasina. Press wale ko bulao. Photographer ko bulao. Yes, sir. Come on. Yes, you can do it, Andy. Kitne lifafe hai, Vinay? 10,000. Your time starts now.